हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है सैटरडे, तो आज तो वीकेंड है और अभी इवनिंग हो रहा है और पिंकू यहाँ पर अभी भी सोए हैं। अभी 7:30 हो गया है और इनको देखो यहाँ पर सोए हैं। क्या हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो? कैमरा मेरे को दिखा रहे हो? हाँ, क्या हुआ? उठ क्यों गए? सो जाओ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं नहीं, मैं उठ गया। फ्रेश भी नहीं हुआ, फेस वॉश भी नहीं किया हूं, कुछ भी नहीं किया हूं, लोग के सामने ऐसे आ गया। और मैं अभी मतलब कपड़ा भी आज क्लीन किया था तो वो सुखाने के लिए देके आई, और प्लांट्स में भी सब पानी वगैरह देके आई। सब कुछ काम ऑलमोस्ट खत्म, बर्तन भी क्लीन करना था वो भी हो गया। और कल बेंगलोर में, कल जैसे कि संडे है तो यहाँ पर फुल लॉकडाउन है ना। कल हाँ, कल और नेक्स्ट संडे, मतलब तो कल यहाँ पर सब कुछ क्लोज्ड रहेगा, मतलब चिकन वगैरह शॉप वगैरह आई थिंक सब कुछ ही क्लोज्ड रहेगा। तो इसलिए हम सोच रहे थे कि अभी थोड़ा बहुत मतलब जो भी चाहिए कल के लिए लेके आ जाएं, क्योंकि कल अगर बंद रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अभी बंद रहेगा 100%। और सब्जी भी नहीं है, सब्जी भी लाना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत सब्जी भी ले आएंगे, क्योंकि कल कुछ मतलब तीन ट्रेन आ रहा है वो ओडिशा से, जितने भी लोग हैं यहाँ से लेने के लिए उन लोगों को तीन ट्रेन आ रहा है। इसीलिए नहीं, ओडिशा से नहीं आ रहा है, मतलब बैंगलोर को आ रहे हैं वो लोग। अच्छा। तीन ट्रेन बैंगलोर को आ रहा है। ओके। तो क्वारंटाइन में वो लोग रहेंगे, तो लॉकडाउन डिक्लेयर किया है कल। आई थिंक नेक्स्ट वाला संडे भी लॉकडाउन डिक्लेयर किया है। अच्छा हाँ, तो इसीलिए हम सोच रहे थे कि जाके लेके आ जाएं। और ये फिर बोल रहे हैं कि आज इनको चिकन लॉलीपॉप खाने का मन हो रहा है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट जब भी मैं बनाऊंगी तो शेयर करूंगी आप लोग के साथ, तो आज बनाएंगे तो डेफिनेटली मैं शेयर तो करूंगी ही रेसिपी, क्योंकि वो एक मतलब क्विक एंड इजी, और मतलब मैरिनेशन करके रखना भी नहीं पड़ेगा आपको, काफ़ी इजी रेसिपी है। तो स्टार्टर के हिसाब से बहुत अच्छी है, तो आप मतलब जब भी मन करे आपको वो आप बना के इंस्टेंटली खा सकते हो, मतलब खा सकते हो। क्या खाएंगे? वही तो बाकी सारा मतलब बहुत होता है कि टिक्का वगैरह उसको मैरिनेशन करके फिर रखना पड़ता है बहुत कुछ, तो ये बट ऐसा कुछ नहीं, बहुत इजी प्रोसेस है। सो मैं लेके आऊँ तो फिर आप लोगों के साथ तो रेसिपी तैयार ही करूंगी। सो बस सबको एडवांस ईद मुबारक। मंडे ईद है, मंडे भी छुट्टी है, तो ईदी सबका अच्छे से जाए। हम लोग का सावित्री जैसे खत्म हो गया, उन लोग का ईद आ रहा है, तो उन लोग को भी ब्लेस करें हम लोग कि उनका ईद अच्छा से जाए, सब अच्छे से ईद करें और डिस्टेंस मेंटेन करे लॉकडाउन का, जैसे है माने। हाँ ठीक है, उनका नमाज पढ़ना होता है, ईद में बहुत सारा काम रहता है, लेकिन वो मस्जिद नहीं जाके भी घर में भी कर सकते हैं वो लोग, तो आराम से मतलब सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके वो लोग करेंगे। जितना मतलब वो लोग भी बहुत अच्छे से करेंगे, ईद मनाएंगे, उनके घर में सब नया नया कपड़ा पहनेंगे, सब कुछ एंजॉय करेंगे उनका घर में पूरा। अभी उनका घर में पूरा ईद के लिए पूरा फेस्टिवल चल रहा होगा। नहीं हाँ। वो लोग एक महीना पूरा, हाँ एक हाँ। महीना पूरा, मतलब जैसे हम हमारा रहता है ना ये रथयात्रा, रथ यात्रा नहीं यार, हमारा वो रहता है क्या रथयात्रा में, कहा हम लोग एक महीना खाना, महीना नहीं मतलब फिर भी मतलब फेस्टिवल रहता है ना वो एक महीना करके, क्योंकि मतलब कार फेस्टिवल जो होता है हम लोग का, वो मतलब जो मेला वगैरह रहता है तो बहुत एक महीना रह जाता है। कुछ फंक्शन नहीं होता है तो उन लोगों का तो बहुत स्पेशल है कि इतने दिनों के लिए होता है ऑलमोस्ट, मतलब दिन में एक ही बार खाते हैं शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, बट दिन में एक बार खाते हैं वो लोग, और पूरा दिन भर वो लोग पूरा फास्टिंग रहते हैं। तो उन लोग के लिए तो कल पूरा मतलब मंडे पूरा ये लोग वो लोग ईदी मनाएंगे, पूरा चिकन मटन पूरा दे दनादन करके खाएंगे वो लोग पूरा। हम भी खाएं क्या? हम भी खा सकते हैं। तो हम लोग जाके अभी सामान ले आए, क्योंकि संडे को बंद रहेगा, तो हमारे यहाँ पर अगर बंद, अगर यहाँ पर खोल सकता है, मेरे को पता नहीं है, बट ये एरिया में लोकलिटी एरिया में खोल सकता है, बट जब पुलिस आ जाएगा कि क्या होगा, बंद भी कर सकते हैं, रेस्क्यू ले फिर, रेस्क्यू ले हम लोग सामान ले आएंगे बेटर है। सो बस, तो चलिए हम लोग जाके आ जाते हैं लेके, और फिर आने के बाद में चिकन लॉलीपॉप का रेसिपी भी शेयर करूंगी आप लोग के साथ, तो चलिए। ओके गाइस, सो हम लोग आ गए हैं वापस, चिकन वगैरह सब कुछ लेके, और पिंकू अभी चिकन क्लीन भी कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करेंगे लॉलीपॉप बनाना। और ये जो लॉलीपॉप मैं बना रही हूँ ये चिकन सिजवान लॉलीपॉप है, तो ये नॉर्मल लॉलीपॉप से थोड़ा ज्यादा ही टेस्टी लगता है, आप भी डेफिनेटली ट्राई करो। तो चलिए मैं दिखाती हूँ प्रोसेस इसका। यहाँ पर मैंने 700 ग्राम चिकन को अच्छे से धो के क्लीन करके रख लिया है, तो अभी उसको डीप करके फ्राई करने के लिए हम एक ग्रेवी जैसे रेडी करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून
कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ और 3 टेबलस्पून उसके साथ मैदा, और उसके साथ 1 टेबलस्पून राइस फ्लोर। अगर राइस फ्लोर आपके पास नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो, बट थोड़ा सा क्रंचीपन लाने के लिए यहाँ पर मैं राइस फ्लोर ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसमें टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसका मेन जो इन्ग्रीडियंट है सिजवान सॉस, यहाँ पर मैंने चिंग चाइनीज़ का सिजवान सॉस लिया है 1 टेबलस्पून, और एक 1 एग, और उसके साथ थोड़ा सा विनेगर 1 स्पून डाल के मैं इसको अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। और जो पेस्ट है आप देख सकते हो इसी कंसिस्टेंसी में रहना चाहिए, आप पानी डाल के इसको अच्छे से इसी कंसिस्टेंसी में बना लो, इससे ज़्यादा पतला अगर करेंगे तो अच्छे से कोट नहीं होगा। और अभी इसमें मैं क्या करूँगी, जो लॉलीपॉप के पीसेस मैंने रखा था एक एक डिप करके फ्राई कर लूँगी, और इसको ज़्यादा मतलब एक साथ ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, 3-4 ही आप फ्राई करिए ताकि वो अच्छे से फ्राई हो सके, और एक साइड जब हो जाए आप उसको पलट दें, जैसे कि गोल्डन ब्राउन देख सकते हो आप हो गया है अभी, फिर से दूसरी साइड को भी इसे ही बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ दीजिए, और फिर इसको अच्छे से निकाल के टिशू या फिर किचन नैपकिन के ऊपर रख लीजिए। और इसी तरह से मैं सारा जो लॉलीपॉप है मैं फ्राई कर ले रही हूँ। इसके बाद मैं इसके लिए एक सिजवान सॉस तैयार करूँगी, इसको आप ऐसे भी खा सकते हो बट ये सॉस के साथ मतलब मिक्स करके खाने के लिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो सॉस बनाने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लिया है, और फाइनली चॉप्ड ऑनियन, एंड वैसे ही बिल्कुल छोटा छोटा स्लाइस में मतलब जिंजर गार्लिक मैंने कर लिया है बहुत ही छोटा छोटा बारीक कटा हुआ, और थोड़ा सा चॉप्ड ग्रीन चिली। बस अभी हम जो है सॉस तैयार करेंगे। तो पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई पे ऑयल जो है गरम कर लिया है, और मैं इसको मस्टर्ड ऑयल पे बना रही हूँ। और अभी ऑयल गरम होने के बाद वहाँ पर जो चॉप्ड ऑनियन और चॉप्ड कैप्सिकम और चॉप्ड ग्रीन चिली को डाल के अच्छे से फ्राई कर ले रही हूँ। जिंजर गार्लिक को थोड़ा बाद में हम लोग ऐड करेंगे, और थोड़ा सा अच्छे से हाई फ्लेम में इसको फ्राई कर लीजिए। और अभी इसी टाइम मैं यहाँ पर थोड़ा सा 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, और वो जो चॉप्ड जिंजर गार्लिक था उसको भी एक साथ ऐड करके उसको भी फ्राई कर दे रही हूँ। और इसको आप बिल्कुल जो प्रोसेस है हाई फ्लेम में ही करिए, मतलब ज़्यादा फ्राई करने भी कोई ज़रूरत नहीं, क्रंचीनेस जैसे कैप्सिकम और ऑनियन का रहे तभी अच्छा लगेगा। और इसी टाइम मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून सिजवान सॉस और 1 टेबलस्पून टमाटर केचप, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल के मिक्स कर ले रही हूँ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पर पानी ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जूसीनेस आने के लिए चिकन लॉलीपॉप को, अगर आपको ज़्यादा जूसी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हैं। और अभी टेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर सॉस में थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ, ऐड करने के बाद जो फ्राइड चिकन था लॉलीपॉप का उसको कढ़ाई पे हाई फ्लेम में ही डाल के आपको बस 1-2 मिनट के लिए फ्राई करना है, और ज़्यादा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस बन गया आपका चिकन लॉलीपॉप। तो अभी आप देख सकते हो ये कितना अच्छा बना है और कितना ईजी भी है। और हम इसको अगर आप गेस्ट को सर्व करते हो तो इसमें जो फॉइल पेपर होता है उसको भी रोल कर सकते हो, हम लोग घर पे ही खा रहे हैं तो हम लोग ऐसा ही खा रहे हैं, तो ये काफ़ी ईजी है, आप डेफिनेटली घर पे ट्राई करिए एंड फिर कमेंट में बोलिए मुझको। हे गाइस गुड इवनिंग। सो आज है नेक्स्ट इवनिंग, तो मैंने कल के बाद और संडे इवनिंग, क्योंकि मैंने कल के बाद और ब्लॉग मैंने शूट नहीं कर पाई थी मैं। और अभी हम दोनों यहाँ पर चाय पी रहे हैं, हमारा नया वाला कप देखिए कैसे क्यूट 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 छोटा वाला, ये टी कप है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा है ना, बहुत छोटा सा, और हमेशा ये येलो कलर ले लेती है, ठीक है, एक मेरा येलो लाओ, येलो कलर लेगी नहीं, येलो में बेसिकली रेड लिया था, पहले ब्लू लिया था, व्हाइट लिया था, बट येलो कप नहीं थी मेरे पास, सब कुछ था। अच्छा। कप एक था वो आपने तोड़ दिया था, याद है आपको, लेके आई थी बट आपने वो आपके हाथ से गिर गया था। हाँ, मैं सोच रही थी ब्रेकफास्ट करने के बाद व्लॉग स्टार्ट करूँ बट अनफॉर्चुनेटली इतना बिजी थी, और आज इनका मतलब एक ऑफिस का कॉलिक भी आए थे, वो यहीं पर पास में रहते हैं, तो बहुत दिन मतलब हम सोच रहे थे कि उन बालकनी बाल, और आज वेदर जो है मतलब हम लोगों को मन ही था कि बालकनी में थोड़ा चाय पियेंगे, बारिश जो आए दिखाया है मैंने आपको, सो इसलिए
तो मस्त बालकनी में आज बहुत वेदर मस्त है। चाय थोड़ा टेस्ट करते हैं इन्होंने बनाया कि कैसा बनाया। अच्छी है जी, अदरक वाला चाय। बारिश सुबह से मैडम जी बहुत काम कर रहे हैं ना, तो खाना बनाना ये सब कुछ। और खाना बनाने मटन बना था आज, और ये प्रॉन मटन दोनों एक साथ लेके आ गए थे, इसलिए मुझे थोड़ा ज्यादा हेडेक हो गया, क्योंकि प्रॉन अभी बनेगा नहीं आज, क्योंकि मटन खाएंगे तो प्रॉन इनको इनको लगा कि शायद रात को खाएंगे, स्टार्टर बनेगा कुछ। मैंने बोला कि नहीं, कल चिकन खाए थे, दिन में एग खाए थे, रात को चिकन, फिर आज मटन, और रात को प्रॉन नहीं खाएंगे, वो वेडनेसडे खाएंगे। तो फिर उसको फ्राई करके रखा मैंने, रख दिया, और तो मटन बना था मटन, और आज मुझे इतना मतलब मस्त नहीं बना था मटन मेरा, बट सही बना था, जो भी बना था अच्छा बना था मटन, इतना अच्छा मतलब इतना बुरा भी नहीं था, बट हाँ मेरे हिसाब से अच्छी नहीं, मेरे को तो टेस्ट अच्छा लगा। मैं जब अच्छे बनाती हूँ मैं बोलती हूँ सबको कि अच्छा बना था। और आज हम दोनों ही नया वाला ड्रेस पहने हैं बहुत दिनों के बाद, क्योंकि हम थोड़ा रेडी होके कहीं पर जा रहे हैं, मतलब इनकी एक फ्रेंड है पास में, इतने दिन घर पे रह रहे के सच में बोर हो गए हैं, और उनकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, तो इसलिए मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत दिन हो गया, हमने सुना था, बट ये लॉकडाउन तो चल रहा था नहीं जा पा रहे थे, यहीं पर 2-3 किलोमीटर होगा ना, तो पास में लेकिन वो कब से बोल रहा था कि प्रीवियस वीक भी बोला था कि आ जाओ बोल के, और मैंने सोचा टाइम नहीं मिला था, तो इस हालत में थोड़ा मतलब देख के आ जाते हैं, घूम के आ जाते हैं। और ये वेदर भी थोड़ा अच्छा है, और आपको जैसे पता है मेरी आपको जैसे पता है कि आज मतलब संडे यहाँ पर सब कुछ बंद है, तो हम लोग कहीं नहीं ऐसे ही खाली थोड़ा घूम के आ जाएंगे, और मास्क वगैरह सब पहन के जा रहे हैं बाहर। तो बस मेरा भी ये रेड टी शर्ट देखिए, नया वाला है टी शर्ट, मैरून वाला टी शर्ट, और ये मेरा वो ही एचओ वाला टॉप है। कुछ रिव्यू दे दो, चाय अच्छा बना है वो तो मैंने पहले से बोल दिया, बारिश के मौसम में अदरक वाली चाय में हमेशा अच्छा बनाता हूँ। आप बनाते कब हो? हे भगवान, आज ही तो बनाया आपने, रोज तो मैं ही बनाती हूँ, अच्छा बनाता हूँ बोल दिया। तो बस तो चलिए, और बाहर में दिखा तो आज का वेदर कितना मस्त है, तो फिर चलिए हम लोग निकलते हैं, और निकलने के बाद में वहाँ तो शायद ही सूट करूँ, क्योंकि मैं इतना कंफर्टेबल हुई नहीं हूँ अभी बाहर, बाहर में जब हो जाऊंगी तो तब करूंगी। तो फिर चलिए मैं दिखाती हूँ, थोड़ी बहुत क्लिप डालूंगी, चलिए। हाँ, और मेरा ये टैटू दिखाना था आपको, ये टैटू उस दिन किसी ने कमेंट किया था कि बहुत अच्छा है, मेरा सिस्टर ने वो कमेंट किए थे, तो उनको अच्छा है, तो मैं अभी क्लियरली ये टैटू दिखा रहा हूँ, साई बाबा का टैटू है, साई बाबा है, बट इस टैटू के पीछे भी बहुत कुछ राज है, कुछ भी राज नहीं है, राज है, राज है, सच बोल रहे हो, कोई राज नहीं है, कोई राज मिस्ट्री नहीं है, ठीक है, नहीं है भाई, राज टैटू नहीं है, नहीं है, बिल्कुल दिखाना दो, अच्छे से दिखाना दो। और ये है इनका टैटू, क्योंकि ये बहुत बड़े मतलब साई बाबा का भक्त है, ऐसा नहीं, बट ये मेरा 6 घंटा मेरा टाइम लिया था, मतलब शाम को 6 बजे हम लोग टैटू बनाए। और आप क्या बोलते, चॉकलेट आइसक्रीम खा के इसको, चॉकलेट खा के चॉकलेट, मतलब ये जो खट्टा मीठा वाला चॉकलेट होता है ना, अच्छा, वो चॉकलेट खा के बनाया था, जितना ब्लड निकल रहा था भाई, जो पेन आ रहा था, और वो लिपिना ने मेरे साथ गए थे। तो चलिए हम लोग आते हैं जाके, और फिर आने के बाद में बात करते हैं आप लोग के साथ। आज मेरी न्यू मास्क डॉक्टर वाला, ये मुझे थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, राइट? क्या मास्क? हाँ, मेरे मास्क बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है। चलो वेयर लेट, सो अभी अंधेरा हो गया ऑलमोस्ट, अभी हम निकल रहे हैं, मस्त वाला इवनिंग टाइम, हर जगह में पानी पानी दिख रहा है। फिर लोग कहाँ घूम रहे हैं? लेकिन देखो कहीं पे दुकान खुला है क्या? अच्छा, शॉप्स वगैरह सब कुछ बंद है, पूरा कोड़ा नवा कौन सा काजू बर्फी और प्लेन बर्फी है? मैं फोन डर कर दिया, बोलो कितना बोलोगे? ओके हो गया, मिल गया, आ गया, यस। Thank you.
उससे नट्स का ओके गाइस, सो फाइनली हम लोग घर वापस आ गए हैं और काफी लेट हो गया है। अभी ऑलमोस्ट 11 बज गया है। हम लोग मतलब 7 बजे निकले थे, अब फिर क्योंकि लेट हो गया हमको रास्ते पे, हम थोड़ा रुके वहां पर स्वीट लाने के लिए, फिर उसके बाद थोड़ा आइसक्रीम लाने के लिए गए और वहां पर इतना बारिश हुआ, हम लोग वहां पर ऑलमोस्ट 40 मिनट रुक गए वहां पर। फिर हमको वहां पर पहुंचते 8 बज गया ऐसा करके। फिर वहां पर हम लोग डिनर वगैरह करके ही आए हैं तो इसलिए काफी लेट हो गया। सो बस, तो चलिए, और ये व्लॉग तो मतलब 2 दिन हो गया मुझे, या मुझे अभी इसको एडिट भी करना है, फिर मंडे जाएगा या सैटरडे संडे का व्लॉग है। ज्यादा कुछ टायर्ड हो गए? नहीं, टायर्ड तो बहुत है गया हूं। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ब्लॉग करने के लिए टाइम भी नहीं मिला था हम लोग को, क्योंकि हम लोग इधर उधर हो रहे थे थोड़ा सैटरडे संडे। हाँ, तो टाइम ही नहीं मिला था। और सावित्री के बाद आपको पता है ना, उस दिन नेक्स्ट डे कल तो बिल्कुल सुबह तक मैं बहुत टायर्ड थी, इसलिए कल शाम को भी मैंने वीडियो स्टार्ट किया। सो चलिए, ये जो व्लॉग है यहीं पर एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। तो फिर मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय। एंड यस, कल ईद है सबको। Yes. तो और एक बार सबको ईद मुबारक। हाँ. सब अच्छे से ईद बनाए और बनाए नहीं मनाए सॉरी हाँ, सब अच्छे से ईद मनाए। हाँ, और हम लोग का कल छुट्टी है, हम लोग भी चलो ईद मनाते हैं। बट हाँ, हम लोग कल नॉनवेज तो खा नहीं पाएंगे। नॉनवेज तो नहीं खाएंगे बट ईद मनाएंगे छुट्टी में, हम लोग एंजॉय करेंगे, घर साफ करेंगे। कल मेरा बहुत कल हम घर थोड़ा किचन साफ करेंगे सोच रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉकरोच हो रहा है किचन में। और तो आपको दिखाएंगे, अगर किचन साफ कर रहे हैं तो पूरा दिखाएंगे आपको, किचन का डीप क्लीनिंग पूरा दिखाएंगे। और वो मेरा ड्यूटी है, मेरा मतलब मैं भी करूंगी। अच्छा, साथ आप भी करोगे? मेरा ड्यूटी है, मैडम भी करेंगे तो बोल रहे हैं, तो वो दिखाएंगे डीप क्लीनिंग। बहुत लोग बोले थे कि मैडम दीदी आपका किचन डीप क्लीनिंग दिखाए, घर का डीप क्लीनिंग दिखाए। तो वो तो कल जब मैं घर का डीप क्लीनिंग तो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, घर का डीप क्लीनिंग ड्रॉइंग रूम का तो मैंने एक बार में एक ही रूम की डीप क्लीनिंग हम लोग करते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरी कॉर्नर करते हैं अच्छे से। और मैंने 2 बार तो ड्रॉइंग रूम का डीप क्लीनिंग ऑलरेडी डाला हुआ है, तो और वो उसका क्या दिखाऊं। और महीने में एक बार हम लोग डीप क्लीनिंग तो करते ही करते हैं, तो किचन का फिर से, किचन का भी ऑलरेडी हम लोग एक बार किए थे 1 मंथ बैक, फिर से कल करेंगे। वीडियो तो किए थे क्या? अच्छा, मेरे को याद नहीं, वो ब्लॉग हाँ, ब्लॉग में डाला था। कल थोड़ा अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे और कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं आपको ब्लॉग में दिखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो, सो बस, तो चलिए ये जो व्लॉग है यहीं पर एंड करते हैं। और अभी काफी लेट हो गया है, हम भी जाएंगे फ्रेश होंगे और थोड़ा सा मैं इस वीडियो को एडिट भी करूंगी। सो फिर बस चलिए, ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। बाय 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 बाय। जब आप फ्रेश हो जाओ फिर मैं जाऊँगी।